Hey guys, welcome back to our fantasy cricket show presented by Cricket Gyan. मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ फिर से जुड़े हैं मेरे दोस्त रितिक. Guys, आज बात करने वाले एशिया कप के सुपर फोर के दूसरे मुकाबले के बारे में जो होने वाला है बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच. बांग्लादेश सुपर फोर का एक मुकाबला खेल चुकी है, वहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट हार के आई हैं. वहीं श्रीलंका अपना पहला मैच खेलेंगी और मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों टीम्स एक बार ग्रुप स्टेज में भिड़ी हैं, जहाँ कन्विंसिंगली श्रीलंका ने उन्हें कन्विंसिंगली हराया था. और वहीं बांग्लादेश दोबारा खेलने वाली है श्रीलंका के अगेंस्ट, पर मैच कहीं और होने वाला है. मैच अब सारे प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होने वाले हैं, तो पिच का थोड़ा इफेक्ट वहां पर आएगा. पर बांग्लादेश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि बांग्लादेश अगर यहां से हार जाती है तो उनके लिए फाइनल में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. श्रीलंका पहला मैच खेलने वाली है, श्रीलंका भी यही चाहेगी कि स्टार्ट अच्छा करें. यहाँ से अब सीधा मैच के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले गाइस पिच के बारे में बात करेंगे. ऋतिक, पिच किस तरीके की नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो, अर्पित ने आपको बता ही दिया, लेकिन पिच कुछ ऐसी है कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी और बल्लेबाजों को दोनों को असिस्टेंस मिलेगी. शुरू के 10 ओवर्स यानी कि जो पावर प्ले होगा ओडीआई में वो बहुत क्रूशियल होने वाला है. और जैसे कि फ्रेश पिच रहेगा क्योंकि मुकाबला काफ़ी वक्त पहले हुआ था अफगानिस्तान पाकिस्तान का, तो मुझे लगता है कि इतना रोल स्पिनर्स का शुरुआत में नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता जाए तो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल या स्लोअर गेंदबाजों का रोल आ जाएगा. बिल्कुल, तो जैसे कि ऋतिक ने आपको बताया कि फ्रेश पिच है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेसर्स रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉल स्विंग होने वाली है और बाकी धीरे मेरे ख्याल से ग्राउंड की डायमेंशंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बैट्समैन को भी फ़ायदा मिलने वाला है. यहाँ से मैं सीधा वेदर की बात अगर कर लूँ ऋतिक, बारिश के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं? देखिए कुछ नहीं, बहुत आसार है, बारिश के ज़बरदस्त आसार है. 90% है चांसेस बारिश होने के, और ह्यूमिडिटी की बात करो तो 80%, और अगर आप तापमान की बात करो यानी टेम्परेचर की, तो दिन दिन में जब ये मुकाबला खेला जाएगा तो हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस रहे विद मिनिमल और नो विंड्स, यानी कि थोड़ी बहुत हवाएं चल सकती हैं. लेकिन शाम को जब ये मुकाबला जैसे बढ़ता जाएगा, अगर हुआ तो बारिश रुक गई तो हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस तक जाए. तो भाई बारिश फिर से खलल डालने वाली है यार. हम तो यार यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश ना आए और एक अच्छा पूरा मैच देखने को मिले, ताकि एक और एनकाउंटर, एक अच्छा मैच देखने को मिले प्रेमदासा स्टेडियम में, ताकि आने वाला इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो भी पूरा मैच हो. यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यहाँ से मैं सीधा प्लेइंग 11 की बात कर लेता हूँ. ऋतिक, सबसे पहले बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, किस तरीके की नज़र आ रही है? देखिए मुझे लगता है कि सिमिलर सी प्लेइंग 11 होगी जो उन्होंने सुपर फोर्स का पहला मुकाबला खेला था पाकिस्तान के खिलाफ. कोई ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि इन्हीं ये जो कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में चूज़ किए हैं बांग्लादेश ने, उन्हीं पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताया पिछले काफ़ी कुछ मैचों से. और अगर आप बात करो बांग्लादेश की 11 को देखकर, तो कुछ ऐसी है: मोहम्मद नईम, लिटन दास, टोई द्रिदोए, शाकिब अल हसन कप्तान होंगे, फिर मुशफिकुर रहीम विकेटकीपर, शामीम हुसैन, आफिफ हुसैन, मेहदी हसन मिराज, हो सकता है हसन मिराज को ओपनिंग में भी दोबारा उतार सकते हैं, तस्कीन अहमद, शौरीफुल इस्लाम और हसन महमूद. ये थी बांग्लादेश की 11. तो ये थी गाइस बांग्लादेश की प्लेइंग 11. यहाँ से मैं आपको श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, किस तरीके की होने वाली है. पथुम निशंका और दिमुथ करुणरत्ने ये ओपनिंग करेंगे, फिर कुशल मेंडिस आ जाते हैं, समा विक्रमा, फिर चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, डसुन शनाका, फिर वेललागे, महीश थीक्षणा, कसुन रचिता और मथीसा पथिराना. तो ये थी गाइस दोनों टीम्स की प्रोबेबल 11. हमने आपको प्रोबेबल 11 बता दी है, पिच रिपोर्ट की बात कर ली है, वेदर रिपोर्ट की भी बात कर ली है, पर एक चीज़ की मैं और बात करना चाहता हूँ. भाई जो जो हमारे चैनल पर नए हैं, भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. हम हर मैच की आपको फैंटेसी की टीम प्रोवाइड कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, वहाँ पे जाके आप हमारे पॉइंट्स भी देख सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि लोग जीत भी रहे हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, आके सारी वीडियोज़ हमारी. भाई बज गया बजर. अब दोस्तों अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर हम आपको बताएंगे श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश की परफेक्ट फैंटेसी 11 के बारे में. चलिए गाइस बनाते हैं हम अपनी बेस्ट फैंटेसी 11. ऋतिक पहले प्लेयर बताओ यार कौन से? बिल्कुल, देखिए कोलंबो में मुकाबला हो रहा था, पहले प्लेयर की बात करें तो हम बांग्लादेश की तरफ से एक पेसर चूज करते हैं, तस्कीन अहमद, क्योंकि फ्रेश पिच रहेगी और 1 से 10 ओवर्स यहाँ पर मेनली मुझे लगता है पेसर्स का दबदबा रहेगा शुरुआत में, और इम्पॉर्टेंट भी रहने वाला जिस तरीके से तस्कीन गेंदबाजी करें, क्योंकि जो ग्रुप स्टेज में मुकाबला हुआ था बांग्लादेश वर्सेज श्रीलंका का, उसमें अच्छी गेंदबाजी थी, विकटें भी काफ़ी ली थी तस्कीन ने, तो दोनों तरफ स्विंग भी कराएंगे, टप्पा भी इनका एक अच्छा परफेक्ट टप्पा है, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में 1 से 10 ओवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तस्कीन. बिल्कुल, यहाँ से मैं दूसरे पेसर की बात कर लेता हूँ और वो है कसुन रचिता, श्रीलंका के. ये फॉर्म हो इस टाइम ये बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, कंसिस्टेंटली बॉलिंग कराई और स्टार्टिंग में स्विंग करा रहे हैं, अंदर बाहर स्विंग करा रहे हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराएंगे, साथ ही साथ
इस पिच पे भी इफेक्टिव प्रूव होंगे क्योंकि श्रीलंका में मैच है, अच्छे से कंडीशंस के बारे में पता है, इसलिए इनका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मेरा ये दावा है ज्यादा से ज्यादा आपको ये पॉइंट्स लेके जरूर देंगे इस मैच। बिल्कुल, अगले मिस्टर स्पिनर की बात कर लेते हैं, श्रीलंका के मिस्टर स्पिनर महेश थीक्षणा की, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि जैसे फ्रेश पिच रहेगा और साथ ही साथ अगर आप बात करो तो थोड़ा सा सख्त रहने वाला शुरुआत में, और कप्तान इन पर भरोसा शुरुआती ओवर्स में भी जता देते हैं, बीच में पावर प्ले में भी एक आध ओवर्स करवा देते हैं इनसे, मिडिल ओवर्स में तो खैर इनको करनी है, तो उसमें स्किड होती नज़र आ सकती है महेश थीक्षणा की गेंदबाजी, और उसी की वजह से तेज़ जाएगी गेंद और एल बी डब्ल्यू और बोल्ड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और स्लोअर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा गेम तो थोड़ी बहुत पिच स्लोअर होने की चांसेस है, तो महेश थीक्षणा तब भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ से मैं ऑलराउंडर की बात कर लेता हूँ और वो है मेहंदी हसन मिराज। गाइज आपने देखा ही है, ओपनिंग करवाई थी इनको, वहाँ शतक बना दिया, पिछले मैच में पहली बॉल पे अनलकी थे, एक सॉफ्ट डिसमिसल था, आउट हो गए थे, पर हमने फिर से भरोसा जताया है अगर दोबारा ओपन करते हैं तो शायद आपको एक अच्छी इनिंग्स देखने को मिलेगी, और जिस तरीके का सर्विस है स्पिनर्स को भी हेल्प मिलेगी मिडिल ओवर्स में, तो वहाँ पे भी विकेट्स लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इनको हमने रखा अपनी टीम में, आपको ऑलराउंड तरीके से पॉइंट्स लेके देंगे, फील्डिंग में अगर कैच वैच आए थे तो वहाँ से भी आपको पॉइंट्स लेके देंगे, इसलिए हसन मिराज जरूर रखना अपनी टीम में। तो अगले प्लेयर की हम बात करते हैं, वो भी श्रीलंका के ऑलराउंडर हैं और वो हैं दुनित वेलालागे। अभी तक हम इनकी बल्लेबाजी से छुपे हुए थे, पर इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में क्या बल्लेबाजी करी, डू ऑर डाई मुकाबला था, और जिस हिसाब अफगानिस्तान के लिए डू ऑर डाई था, पर लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करो वेलालागे एक ही ओवर में बहुत बड़ी बड़ी विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट्स इन्होंने ली थी, उसके बाद बल्लेबाजी से जो इन्होंने बल्लेबाजी करी, चौके छक्के लगाए, और मेन गेंदबाजों को पेसर्स के अगेंस्ट और राशिद के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करी इन्होंने दुनित वेलालागे ने, तो हम इन पर फिर से भरोसा जता रहे हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर में स्टैग्नेंसी रहना और बहुत अच्छी चीजें रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहां से गाइस मैं बैट्समैन की बात कर लेता हूं, श्रीलंका के बैटर हमने पिक करे हैं चरित असलंका। अगर आपको इन दोनों का पिछला मैच याद हो, एशिया कप का ही मुकाबला, ग्रुप स्टेज का मुकाबला, वहां पर चेज करते हुए श्रीलंका ने पहले विकेट खो दी थी, पर इन्होंने इनिंग स्टेबलाइज करी, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, हाफ सेंचुरी जड़ी, और आपको दिखाया है कि मिडिल ऑर्डर्स में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, पिछले भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, एक अच्छे प्लेयर हैं और आपको मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेके दे सकते हैं, जिस तरीके का सरफेस है इनको चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो श्रीलंका को भी खतरा बन सकता है, इसलिए हमने इनको बैक कराया और अपनी टीम में ज़रूर रखा। एक और मिडिल ऑर्डर बैटर श्रीलंका का जो कि स्टेबिलिटी देने के लिए है मिडिल ऑर्डर को, सदीरा समाविक्रमा, तो कहीं ना कहीं ज़रूर इनका परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रहा है, रन्स बनते हैं नहीं बनते हैं, लेकिन जब ये बनाते हैं तो पूरा खुल के रन्स बनाते हैं और मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छी स्टेबिलिटी भी देते हैं, तो सदीरा समविक्रमा पे इस बार हम भरोसा जता रहे हैं, और ये है भी बांग्लादेश के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त जोर शोर से बल्लेबाजी करते हैं सदीरा। गाइज श्रीलंका के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स हमने पिक करे हैं और यही सोच रहे हैं कि श्रीलंका इस मैच में डोमिनेट करेगी, इसीलिए हमने एक और बैट्समैन पिक करा है, उनका नाम है पथुम निसंका। गाइज स्टार्ट्स इनको मिले हैं पर एक बड़ी इनिंग्स अभी तक इनके बल्ले से नहीं आई, पिछले मैच में 41 रन मारे इन्होंने और दिखाया है कि भाई फॉर्म में तो हूँ, पर बड़ी इनिंग्स अभी तक बल्ले से आ नहीं रही, पर इस मैच में शायद अच्छी आ जाए क्योंकि टच में है और गलती से आउट हो रहे हैं, पर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मैच में अगर स्टार्ट इनको मिल गया तो कन्वर्ट भी करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेके देंगे, ऊपर के खिलाड़ी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स फेस करने को मिलने वाली है, तो इनको हमने बैक किया अपनी टीम में। बिल्कुल, एक खिलाड़ी और बांग्लादेश के मिडिल ऑर्डर बैटर और विकेट कीपर बैट्समैन की बात करो आप, मुशफिकुर रहीम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुशफिकुर रहीम जो है एक्सपीरियंस्ड हैं, आप मान लीजिए शाकिब के बाद पूरे अगर आप यूनिट में देखें, पूरे के पूरे आप अगर आप 11 में देखेंगे तो मुशफिकुर रहीम ही है एक्सपीरियंस जिनको काफ़ी ज़्यादा है, और टॉप ऑर्डर जो है ना बांग्लादेश का वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, रन्स बन रहे हैं, कोई सेंचुरी बना रहा है, अगले मैच में नहीं बना रहा है, तो इनकंसिस्टेंट है, और सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एक बार बड़े बल्लेबाजों का जब बल्ला चलता है, जैसे कि पिछले मुकाबले में उन्होंने 60 प्लस की पारी खेली थी, तो जब बड़े बल्लेबाज फ्लो में आ जाते हैं तो वो जो उनका फ्लो होता है, लय होती है, वो बरकरार रहती है, तो मुशफिकुर रहीम को इसी वजह से हमने यहां पर फिर से एक बार और भरोसा जताया। बिल्कुल गाइस, टीम में अच्छी फॉर्म में, पिछले मैच में भी रन्स बनाए थे, यहां से हमने सारे आपको अपने प्लेयर्स बता दिए, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कैप्टन और वाइस कैप्टन, अब उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं वाइस कैप्टन बताया तो हमारी टीम के कौन है, इस मैच में हमने हमारी टीम में मथीसा पथिराना को पिक कराया। गाइस पता ही आपको, भाई अच्छी फॉर्म में है, लगातार विकटें ले रहे हैं, और ये जो पिच की कंडीशंस है ये इन्हें बखूबी सूट करने वाली है, 4 विकटें ली भी थी मैचेस में, और लगातार विकेट्स, आपको जिस तरीके का एक्शन है भाई और जिस तरीके के वेरिएशंस हैं इनके पास, हमेशा एक अच्छे प्लेयर प्रूव होते हैं, क्योंकि विकेट्स जिस तरीके का एक्शन है विकेट्स लेने के चांसेस बनते हैं, इनको आपकी अपनी टीम में ज़रूर रखना है, हमने बैक किया है कि वाइस कैप्टन बनाया भाई,
ज्यादा से ज्यादा विकेट्स ले ली तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेके देंगे गाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं और वो है हमारे टीम के कप्तान शाकिब अल हसन। वैसे तो बांग्लादेश टीम के भी यही कप्तान है पर लेकिन इसलिए चूज करा क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, साथ ही साथ एक मुश्किल सिचुएशन में बल्लेबाजी करी, तो ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स ये सब चीज़ें करना जानते हैं, कैसे मुकाबला निकलवाना आगे जो है प्रेशर ना आए जिस वजह से। पर लेकिन आप गेंदबाजी की बात करो तो ज़्यादा इस बार तक विकेट ले पाए, पर लेकिन जिस हिसाब से पिच रहेगा कोलंबो का फ्रेश पिच रहेगा तो मुझे लगता है कि स्किड होना बहुत पॉसिबिलिटी इनकी गेंदबाजी में, और जिस हिसाब से इनका राउंड आर्म एंगल आता है हाथ का बीच बीच में तो मुझे लगता है वहाँ पे कारगर हो सकता है। तो शाकिब अल हसन पर फिर से हम एज ए कैप्टन भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल भाई, ये थी हमारी पूरी फैंटेसी की टीम। मैं एक बार आपको टीम दोबारा बता देता हूँ। कैप्टन है हमारे शाकिब अल हसन, मतीसा पथिराना हमारे वाइस कैप्टन, फिर मुशफिकुर रहीम, चरित असलंका, फिर समारा विक्रमा, पथुम निसंका, दुमित वेललागे, मेहदी हसन मिराज, तस्किन अहमद, कसुन रचिता और महेश तीक्षणा। सो गाइज, ये थी हमारी फैंटेसी की टीम। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपडेटेड हम फैंटेसी टीम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं टॉस के बाद वो हम वहाँ अपनी टीम में अपडेट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए वहाँ पे भी फॉलो करिए। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करिए, सीजी फैंटेसी शो के नाम से हमारा चैनल है, हमारा पेज है, वहाँ पर हम सारे पॉइंट्स अपडेट करते हैं, जो भी मैचेस के होते हैं सारे पॉइंट्स अपडेट करते हैं, वहाँ पर हमारे पॉइंट्स देख सकते हैं, उस हिसाब से आप टीम भी बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।